सॉरी जी, अब बात करें। ठीक है बस, ठीक है ठीक है, बात ठीक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंतजार किधर? आप तमाम दोस्तों का, जितने मीडिया के पर्सन आए हुए हैं सारे, सबका बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त मैं खान साहब के केसेस के हवाले से बात करूंगा और रऊफ साहब, इंतज़ार साहब भी आ गए हैं और बताएंगे आज के हवाले से खान साहब की मज़ीद जो अपडेट्स हैं और पैगाम बताएंगे। देखें, इस वक्त खान साहब दो केसेस के अंदर पाबंद सलासल हैं। नंबर वन साइफर केस और नंबर टू इद्दत केस। साइफर केस की समाअत कल थी, उस समाअत को इस वजह से मुलतवी होना पड़ा कि पूरे पाकिस्तान में छुट्टी मना दी गई और बनता ये था कि कल छुट्टी थी, आज उस केस की समाअत की जाती, उसके अंदर फैसला आता, क्योंकि इस वक्त खान साहब दो केसेस में पाबंद सलासल हैं। इसी तरह से बीबी साहबा एक केस में पाबंद सलासल हैं और वो है इद्दत केस। तो इद्दत केस के अंदर आज, क्योंकि फैसले के लिए रखा हुआ था अदालत ने, और रिजवान अब्बासी जो वकील हैं खावर मानका के, उनको मौका दिया गया। पहले तो 9 बजे वो आए नहीं, फिर 10:30 बजे आए। जब मौका दिया जाता है तो बजाय ये कि वो खुद दलाइल करें, उन्होंने, क्योंकि पीछे से एक प्लांट करके, एक प्लान बनाकर, एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से, जिसमें उन्होंने PMLN के लॉयर्स, जो मैं जानता हूं क्योंकि हम सारा दिन इधर ही होते हैं, ये वो लोग थे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए, तो उस वक्त अता तारड अपने साथ लेकर आया था और उस वक्त भी उन्होंने शोर शराबा किया था, हंगामा राय की थी। आज वही हुआ दोबारा। ये चाहते थे कि अदालत के अंदर शोर शराबा हो, लड़ाई हो, ऐसा माहौल बने कि ये केस जो है मुलतवी हो। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं तमाम, हमारी जितनी ख़वातीन हैं, हमारे लॉयर्स हैं, जितने वहां पर मीडिया पर्सन सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने बड़ा, किसी ने इस तरह का मामला नहीं किया और बड़ा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। और हमने अदालत को यही कहा कि ये चाहते हैं कि यहां पर माहौल ख़राब हो, क्योंकि जिस तरह वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे खान साहब के बारे में, बीबी साहिबा के बारे में, मैं अल्फाज यहाँ पर वो नहीं ले सकता जिस तरह के वो अल्फाज ले रहे थे। ये हमारी हिम्मत थी, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने बर्दाश्त इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि खान साहब बीबी साहिबा के हवाले से ये केस आज जो समाअत है इसमें फैसला आ जाए, क्योंकि फैसले के अंदर डिले ना हो। लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल जज साहब के ऊपर भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया कि आप मेरिट के ऊपर फैसला जो है वो नहीं देंगे, आप इंसाफ नहीं देंगे, आप नहीं ठीक केस चला रहे, और बग़ैर किसी जवाज़ के इससे पहले रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन जो है वो दी गई और उसके अंदर कोई ग्राउंड नहीं बताई गई कि किस बुनियाद के ऊपर रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन, यानी कि आप ये केस ना सुने, तो अदालत ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी। दूसरी दफ़ा ये प्लान करके सारा किया। अब देखें, आप एक केस होता है जी, उस केस के अंदर मुकम्मल दलाइल दिए गए, दलाइल में पूरा टाइम दिया गया, बल्कि पूरा टाइम क्या, इतने घंटे दिए गए कि एक चीज़ को बार बार रिपीट किया गया, कोई शहादत है जी, क्रॉस है जी, ये है वो है जी। अब जब मुकम्मल हो गया तो फिर ऐन मौके के ऊपर, जिस वक्त आपने फैसला सुनाना है और आपने 10-20 मिनट आधा घंटा देना है उस वकील को, तो ठीक है आप दें। अब इस टाइम के ऊपर जज साहब का भी इस केस से पीछे हटना, जो वाजह तौर पर उस जो लेटर है 6 जजेस का, उसके साथ मैच करता है कि किस तरह जजेस को डराया गया, धमकाया गया, उनके काम करने में मुदाखलत की गई, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, कैमरे लगाए गए, अब किस हद तक इनके साथ किया गया जिसकी वजह से उन्होंने रिक्यूज़ल की। हालांकि हम ये कह रहे थे कि इनको रोकें, इस कोर्ट का डेकोरम, इस कोर्ट को कैसे रेगुलेट करना है ये आपका काम है, आपके पास पावर है और आप इख्तियार रखते हैं, अभी फैसला दे दें। लेकिन उन्होंने नहीं किया और ये एक रिक्यूज़ल, उन्होंने कहा जी कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, और फिर एक लेटर लिख दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो इसमें मुसलसल जो हम रोज़ाना कह रहे थे कि फेयर ट्रायल नहीं दे रहे, हम रोज़ाना कह रहे थे कि आइन का आर्टिकल 10 ने बड़ा वाजह कहता है जो हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक देता है, नहीं दिया गया।
तो वही किया गया कि इस केस को फिर लटका दिया गया है। अब दो केसेस जिनमें खान साहब की इस वक्त मैं पहले गुजारिश की कि पाबंदे सलासल थे और बीबी साहब आए केस में, तो इन दोनों केसेस को लटका दिया गया है। सोमवार के लिए आई थिंक सो साइफर केस की समाप्त की गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इनका प्लान क्या है। इनका प्लान ये है कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल के कोई और मुकदमा बनाकर वो बाहर ना आए। मकसद इनका सिर्फ ये है, क्योंकि वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हट रहे। आप देख लें राणा सनावला जो कहता है जी कि अगर बातचीत हो तो फिर उनकी रिहाई के हवाले से भी देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, कैसे वो कह रहा है। और आप ये भी देखें कि आज सारे जो मुजरिम थे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अनवार काकड़। वो खुद कह रहे हैं जी कि अगर मैं फॉर्म 47 की बात करूंगा तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद की हुई हैं और सारे केसेस इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। 9 मई के हवाले से केसेस ट्रायल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब की 9 मई में गिरफ्तारी इसलिए डाली गई केसेस में कि वो साइफर के सिर्फ एक केस में पाबंद सलासल हैं। और आप देख लें कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर यही नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ पर जाकर कहते हैं जी कि बिल्कुल हमें तो थोड़े से इसके अंदर जो है वो केसेस जो गवाह हैं वो रह गए हैं और लिहाजा केस जो है वो फाइनल जो है मराहल की तरफ जा रहा है, तो आप खान साहब की ज़मानत जो है वो कन्फर्म ना करें। लेकिन जूँ ही आप देखें कि ज़मानत उधर कन्फर्म होती है तो आपने देखा कि किस तरह मलक रियाज को सिर्फ वो अप्रूवर नहीं बन रहा तो उसके पीछे भाग रहे हैं, यानी कि अप्रूवर मजीद ऐड करना चाहते हैं। कभी आप जुल्फी बुखारी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, कभी आप शहजाद अकबर पर डाल रहे हैं, कभी आप मलक रियाज पर डाल रहे हैं, कभी आप आज़म खान को अगवा कर रहे हैं, कभी मुफ्ती सईद को अगवा कर रहे हैं। तो ये सारा क्या किया जा रहा था? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि खान साहब हार माने, वो अपने मौकफ से पीछे हटें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डट के खड़े हैं। और मैं तोशाखाना केस की भी बात करूंगा कि चौथा केस पार्ट 4 स्टार्ट कर दिया गया है। एक केस में आपने 3 साल सजा दे दी, दूसरा केस आपने थाना कोसार के अंदर FIR दर्ज कर दी, तीसरा केस आपने सजा दी 14 साल जो मुअत्तल हो गई, अब चौथा केस आपने बना दिया। जो केस जाता है उसमें इल्ज़ाम क्या है जी? आपने कीमत जो है वो गलत लगवाई, अपने पास गैर कानूनी रखे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि बुतान या झूठा एक इल्ज़ाम लगाना। इमरान खान ने जहाँ पर 20% अदा करके गिफ्ट लिए जाते थे उसको 50% पे किया, और अगर कोई चीज़ ली भी तो कानूनी प्रोसेस करके ली। लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ जिन्होंने ली, मुझे भी कोई लेकर देना 5 लाख की मर्सिडीज़ गाड़ी जो ली नहीं जा सकती कानूनी तौर पर, तो उनको क्लीन चिटें दी जा रही हैं, उनको बरी किया जा रहा है। और इलेक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर मैं उसका भी जिक्र करूंगा कि तरामीम करके ये चाहते हैं कि अपने मर्जी के रिटायर जजेस जो हैं वो लगाए जाएं, कि पहले आपने इलेक्शन जो है वो उसके अंदर धांधली की, फॉर्म 47 के मुताबिक लोगों को सेलेक्ट किया, अब आप चाहते हैं कि जो ट्राइब्यूनल्स के अंदर हम गए हुए हैं कि आपकी मर्जी के जजेस जो हैं लगें। लेकिन मैं लाहौर हाई कोर्ट को यहाँ पर सलाम पेश करता हूँ। आज उन्होंने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, जो उन्होंने नाम भेजे हुए हैं इलेक्शन कमीशन, वो 6 जजेस को नोटिफाई करें। तो ये इसी तरह का माहौल, इसी तरह का अदालतों के अंदर अगर देखा जाए तो वो जिस तरह से खड़ी हो रही हैं और इसी तरह से चलें, तो फिर हम उम्मीद रखते हैं कि ये सारा जो सारा किया गया है उसमें काफ़ी आ सकता है। लेकिन ये स्टिल जो सिलसिला है बंद नहीं किया जा रहा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरामीम करके 14 दिन से 40 दिन पे ले गए और 5 साल से सजा नीचे करके 2 साल पे की गई है। किस बंदे की? जो नैब का करप्ट ऑफिसर होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि टारगेट सिर्फ इमरान खान है, अपने केसेस में रिलीफ लेना है, अपने केसेस में बरियत लेनी है, अपने केसेस में चिटें लेनी है, और कोई मकसद नहीं है। इंतज़ार भाई आपको थोड़ा ऐड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत काफ़ी टाइम ले लिया। मैं ब्रीफली बस 2-3 बातें आपसे करूंगा।